जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकर फैंटास्टिक जबरदस्त फिजिक्स प्रोग्राम में। आप सभी को आज शानदार तरीके से सिखाते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आज का शानदार कंसेप्ट है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्वेल्थ क्लास एज वेल एज कॉम्पिटिशनल एग्जाम। आज हम आपको सिखाएंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिविटी किन नियमों के तहत काम करता है। चलिए सबसे पहले सीखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है साथियों, आप जानते ही हैं कुछ एलिमेंट काफ़ी अनस्टेबल अवस्था में रहते हैं। जनरली जो भारी एलिमेंट होते हैं जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, इनमें लगातार डीके होता रहता है। स्पोंटेनियस डीके होना किसी भारी भरकम अनस्टेबल एलिमेंट का कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। इन्हें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। यदि कोई भारी एलिमेंट, कोई भारी न्यूक्लियाई के अंदर लगातार डीके होता रहता है तो स्पोंटेनियस डीके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। साथियों, ये देखा गया है कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं। हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। हमने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट रख दिया और देखा कि क्या होता है। जब हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा तो हमने देखा कि इसमें से तीन तरह की किरणें निकलती हैं। एक किरणें, पहली प्रकार की किरणें जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, दूसरी तरह की किरणें जाती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो ना पॉजिटिव की तरफ जाती हैं और ना ही नेगेटिव की तरफ जाती हैं। जो रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं 100% उनका नेचर कैसा होगा बोलो, नेगेटिव नेचर होगा, और नेगेटिव नेचर वाले को हम बीटा रे कहते हैं। और जो रे नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी उनका नेचर पॉजिटिव होगा और उनको प्यार से अल्फा रे कहा जाता है। और जो ना नेगेटिव प्लेट की तरफ गई ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई वो न्यूट्रल नेचर की होती है, उन्हें हम गामा रे कहते हैं। तो साथियों, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी फेनोमेना है जिसके तहत कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगातार टूटता रहता है और उसमें से तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं। नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने वाली अल्फा रे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने वाली बीटा रे और न्यूट्रल गामा रे। अल्फा रे जैसा कि आप देख सकते हैं यह नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है। क्योंकि अल्फा रे नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है इसलिए अल्फा का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बीटा रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है इसलिए इसका नेचर नेगेटिव होगा। और गामा क्योंकि किसी प्लेट की तरफ नहीं जा रही इसका नेचर न्यूट्रल होगा। अल्फा रे हीलियम का न्यूक्लियस माना जाता है। अल्फा रे इज द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, बीटा रे इज द न्यूक्लियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गामा रे इज अ न्यूक्लियाई ऑफ फोटोन। तो साथियों, जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीन तरह की किरणें निकलती हैं ऐसा आपको प्रतीत होगा। अब बात रही इसके लॉज क्या है। इसके मुख्य पांच नियम हैं। कितने नियम है दोस्तों, पांच नियम है। रेडियो एक्टिविटी पांच नियमों के तहत काम करता है। चलिए एक एक करके आपको सिखाते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है कि इट इज अ स्पोंटेनियस प्रोसेस, कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पोंटेनियस प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ इज
रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। साथियों, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो ना किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ना प्रेशर पे डिपेंड करता है। रेडियो एक्टिविटी जब होगी, जब भी किसी भारी भरकम एलिमेंट का डीके होगा, तो ऐसी स्थिति में यह डीके लगातार होता ही रहेगा, ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और ना ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इसलिए कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? सेकंड आ कहता है कि देखिए दोस्तों, जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी तो या तो अल्फा रे निकलेगा या बीटा रे निकलेगा। जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी तो या तो अल्फा रे निकलेगा, आइदर अल्फा रे, या तो अल्फा रे निकलेगा या बीटा रे निकलेगा। जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी तो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना के तहत या तो अल्फा रे निकलेगा या बीटा रे निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्फा और बीटा एक साथ निकल जाए। इस लॉ के अनुसार आइदर अल्फा रे और बीटा रे एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट नेवर हैपेंस दैट बोथ ऑफ अल्फा रे एंड बीटा रे एमिटेड साइमल्टेनियसली। पक्का? पहले ने कहा यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसमें से या तो अल्फा निकलता है या बीटा निकलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ अल्फा और बीटा दोनों निकल जाए। और तीसरा ला है अल्फा डीके ला, थर्ड ला इज अल्फा डीके ला। अल्फा डीके ला के अनुसार जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा निकलेगा, जब भी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा निकलेगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा। साथियों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स जेड ए, जेड है एटॉमिक नंबर, ए है मास नंबर, और इसमें से अल्फा रे निकल गया। अल्फा रे हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे जो नया डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर 4 कम होगा। साथियों, आप जानते ही हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो जो लेफ्ट हैंड का एटॉमिक नंबर है वही राइट हैंड का एटॉमिक नंबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में एटॉमिक नंबर जेड है तो राइट का टोटल जोड़ भी जेड होना चाहिए। तो साथियों, इधर जेड है, यहाँ अल्फा निकला मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकला, तो एटॉमिक नंबर बैलेंस करने के लिए 2 कम करना पड़ेगा। ऐसे ही मास नंबर के नियम के अनुसार इधर ए है, इधर 4 निकला, तो उसे बैलेंस करने के लिए ए माइनस 4 करना पड़ेगा। इसलिए अल्फा डीके ला बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि जब भी रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा रे निकलेगा, जब भी रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा रे निकलेगा तो उस समय जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम और मास नंबर 4 कम होगा। मींस अकॉर्डिंग टू दिस ला, व्हेन अल्फा डीके टेकन प्लेस then a new daughter element is formed having atomic number 2 less than and mass number 4 less than parent element। कि जब भी अल्फा डीके होगा तो जो daughter element बनेगा उसका atomic number 2 कम होगा और mass number 4 कम होगा। क्लियर? तो पहला नियम था कि रेडियोएक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह न टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, एक साथ अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकलेगा। और तीसरा, अल्फा डीके ला, जिसके अनुसार जब अल्फा डीके होगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा,
जिसका एटॉमिक नंबर 2 कम और मास नंबर 4 कम होगा। क्लियर। फोर्थ है बीटा डिकेला, फोर्थ वन इज बीटा डिकेला। बीटा डिकेला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसमें से बीटा निकल गया अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा और मास नंबर 8 रहेगा। सेम वही प्रिंसिपल लगा दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार एटॉमिक नंबर का जोड़ सेम होना चाहिए, मास नंबर के नियम के अनुसार मास नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। तो इधर जेड है, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है बीटा रे निकला है तो यहाँ माइनस वन है तो उसको बैलेंस करने के लिए जेड प्लस वन हो गया, उसका मास 0 है तो मास नंबर सेम रहेगा। तो बीटा डिकेला क्या कहता है आप सिंपली समझ सकते हैं कि इस बीटा डिकेला के अनुसार जब भी बीटा रे निकलेगा तो जो टोटल एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट के मुकाबले के ज़्यादा होगा और मास नंबर 8 होगा। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन बीटा डीके टेकन प्लेस देन अ न्यू डॉटर एलिमेंट इज फॉर्म्ड हैविंग एटॉमिक नंबर 1 मोर देन एंड मास नंबर रिमेन सेम एज अ पेरेंट एलिमेंट। तो साथियों चार मैंने नियम बताए, पहला कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ना प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा या तो अल्फा रे निकलेगा या बीटा रे निकलेगा, एक साथ अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकलेगा। तीसरा अल्फा डीके लॉ के अनुसार जब अल्फा डीके होगा तो नया डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम और मास नंबर 4 कम होगा, जबकि बीटा डीके लॉ के अनुसार जो नया डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा और मास नंबर सेम रहेगा। क्लियर। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ लॉ इज रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। पांचवे को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। ये क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। ये लॉ कहता है कि देखो भाई जितने सैंपल में एटम ज़्यादा होंगे उतना ही डिजिंटीग्रेशन ज़्यादा होगा। अगर एटम की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा संख्या में डिजिंटीग्रेशन होगा, अगर एटम की संख्या कम होगी तो डिजिंटीग्रेशन कम होगा। इसी को अंग्रेजी में डायलॉग बोल देते हैं कि द रेट ऑफ डिजिंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब जो डिजिंटीग्रेशन की रेट है, जो टूटने की दर है, कितनी स्पीड से टूट रहा है, ये डिपेंड करता है उस समय कितने एटम मौजूद हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितने एटम की संख्या ज़्यादा होगी उतने संख्या में ज़्यादा टूटेंगे, अगर एटम कम होगा तो कम संख्या में डिजिंटीग्रेशन होगा, अगर एटम की संख्या ज़्यादा होगी तो डिजिंटीग्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ डिजिंटीग्रेशन पर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो शानदार तरीके से आपके सामने रेडियो एक्टिविटी और उसके पांच नियम बताए गए, आपको समझाया गया रेडियो एक्टिविटी लगातार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के टूटने को कहते हैं, एक ऐसी फेनोमेना जिसमें लगातार डीके होता ही रहता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से लगातार अल्फा बीटा गामा जैसी किरणें निकलती रहती हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिविटी नाम से पुकारते हैं। इसके पाँच नियम होते हैं, पहला कि यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा जब या तो अल्फा डीके होगा या बीटा होगा, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, एक साथ अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकलेंगे।
तीसरा जब अल्फा डीके होगा तो उस समय एक नया डॉटर एलिमेंट बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 कम और मास नंबर 4 कम होगा। जबकि फोर्थ बीटा डीके लॉ के अनुसार जब बीटा डीके होगा तो एक नया डॉटर एलिमेंट बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा और मास नंबर सेम रहेगा। जबकि रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है पॉइंट टाइम वो डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो साथियों शानदार तरीके से आज हमने आपको बताया रेडियो एक्टिविटी और इसके धाकड़ लोच। अब हम आपको सिखाना चाहेंगे कि आखिर जो रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ है इसकी धाकड़ एक्सप्रेशन क्या होगी, आखिर इस लॉ के माध्यम से कैसे हम रेडियो एक्टिव डीके कॉन्स्टेंट की एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। तो रेडियो एक्टिव डीके कॉन्स्टेंट की धाकड़ एक्सप्रेशन जानने के लिए, हाफ लाइफ पीरियड को जानने के लिए मिलते हैं एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ। सेम टाइम सेम जगह आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए हमारा शानदार सेक्शन जिसके तहत हम आपको बताएंगे रेडियो एक्टिविटी डीके कॉन्स्टेंट की धाकड़ एक्सप्रेशन, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे विश्वास है आपको आज का शानदार कसर सुनना आ गया होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।